हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालॉग डिजिटल। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका मैनेजर आपसे बोले कि आपको 10% का इंक्रीमेंट मिला है इस साल पिछले साल की सैलरी के ऊपर, तो आप उसको अमाउंट में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए एक आदमी है, उसकी सैलरी 1,20,000 रुपये है, लेकिन नेक्स्ट ईयर उसको 10% का इंक्रीमेंट मिला है। तो वो अपनी जो सैलरी है वो एनुअली और मंथली की जो सैलरी है वो अमाउंट में कैसे उसको कैलकुलेट करेगा, तो देखते हैं। ओल्ड सैलरी जो है 1,20,000 रुपये है, ओल्ड सैलरी पर मंथ जो है वो 1,20,000 रुपये डिवाइड बाय 12 है, यानी कि 10,000 रुपये पर मंथ। अब उसकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है एनुअल सैलरी में, टोटल ग्रोथ सैलरी में इसको आप बोल सकते हो। तो एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट इन अमाउंट, तो 1,20,000 रुपये का 10% कितना हो गया डिवाइड बाय 100, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो ये 12,000 रुपये, 12,000 रुपये हो गया 1,20,000 रुपये का 10%। तो एनुअल इंक्रीमेंट 12,000 रुपये हो गया, और टोटल सैलरी विद इंक्रीमेंट, टोटल सैलरी विद इंक्रीमेंट होगी आपकी 1,20,000 रुपये प्लस 12,000 रुपये, तो यानी कि 1,32,000 रुपये आपकी नेक्स्ट ईयर की सैलरी होगी पूरे साल की। अब इसको मंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मंथ का जो इंक्रीमेंट हुआ है। अब मंथली सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट कितना हो गया, 1,32,000 रुपये को सीधे सीधे 12,000 से डिवाइड कर दो, सॉरी 12 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया 11,000। अब मंथली इंक्रीमेंट अगर हम अमाउंट में निकालना चाहते हैं तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपका नेक्स्ट ईयर का मंथ का सैलरी माइनस ओल्ड ईयर का मंथ का सैलरी आप अगर करतोगे तो वो आपका मंथ का इंक्रीमेंट निकल के आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 11,000 रुपये माइनस 10,000 बराबर 1,000 रुपये आपका मंथ का इंक्रीमेंट हुआ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।